हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके बेल आइकन को जरूर हिट कर दें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 14 सितंबर 2019 के। लास्ट वीडियो हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, भारत से पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत को किससे जोड़ती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से मोतिहारी और अमलेखगंज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, ठीक है। और यह भारत का पहला ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन फॉर्म है और पहला दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन कॉरिडोर है। और यह नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की सुगम, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, ठीक है। तो भारत से पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत को नेपाल से जोड़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 12 सितंबर। 12 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन हाल के वर्षों में दक्षिण में क्षेत्रों और देशों द्वारा किए गए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का जश्न मनाता है। और वर्ष 2019 के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए जो विषय है वो है कमिटमेंट टू एक्शन फॉलो अप टू ब्यूनस आयरस प्लान ऑफ एक्शन +40 है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, इस साल का जो विषय है वो है कमिटमेंट टू एक्शन फॉलो अप टू ब्यूनस आयरस प्लान ऑफ एक्शन +40 है, ठीक है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको आंसर करना है 12 सितंबर, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक जरूर कर दें वीडियो को। आज का हम टारगेट लगते हैं सिर्फ 10 लाइक का। आप जितना भी वीडियो देखें बस आप एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। तो आज का जो टारगेट है वो है सिर्फ 10 लाइक, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों को संबोधित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड के बर्न में, स्विट्जरलैंड में कहां पर? बर्न में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में बर्न में, जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, वहां पर भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों को संबोधित किया और वह अपने 3 देशों के दौरे के तहत स्विट्जरलैंड का दौरा कर रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड के बर्न में भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों को संबोधित किया और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो है बर्न और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक, ठीक है। इतने पॉइंट आपको स्विट्जरलैंड से याद रखने। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग प्रतियोगिता में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10। 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग प्रतियोगिता के समापन के दिन भारत ने 3 पदक जीते और चैंपियन के रूप में उभरा और रोनाल्डो लेडनजम ने मीट में अपना 4th स्वर्ण जीता। इससे पहले वह स्प्रिंट 1 किलोमीटर समय परीक्षण और टीम स्प्रिंट जूनियर स्पर्धाओं में 1-1 स्वर्ण जीत चुके हैं। IGI स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए टूर्नामेंट में 10 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ भारत पद तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत ने 10 गोल्ड जीते, ठीक है, और टोटल पदक पूछे जाएंगे तो 25, जिसमें से 10 गोल्ड,
आठ रजत पदक है और सात जो है कांस्य पदक है, ठीक है, भारत पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राज्य सरकार ने पंजीकृत छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए दो बीमा योजनाएं शुरू की, और ये योजनाएं मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपति बीमा योजना है। एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो योजनाएं हैं वो है, एक है मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपति बीमा योजना। और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, 5 लाख, ठीक है, और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपति बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाएगा, 5 से 25 लाख तक का, ठीक है। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हरियाणा इसका राइट आंसर है, तो हरियाणा के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है हरियाणा की वो है 1 नवंबर 1966। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है हिंदी, यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और हरियाणा नोन फॉर मिल्क पेल ऑफ इंडिया। यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की जो मेजर रिवर है वो यमुना और घाघर हकरा। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात कर लेते हैं, अबूबशहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिलीचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक, स्टेट बर्ड जो है वो ब्लैक फ्रेंकोलिन, और यहाँ का जो स्टेट फ्लोवर है वो है लोटस। यहाँ के जो मेजर डांस फॉर्म है वो है सांग डांस, कोरिया डांस और धमाल डांस। तो इतने पॉइंट आपको हरियाणा से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मेक इन इंडिया ट्रेन, यहाँ पुलिस नहीं है, पुल थी सी है, इसको आप ठीक कर लीजिए, पुल थी सी, ठीक है, पुल थी सी एक्सप्रेस के रे को कहाँ से रवाना किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से मेक इन इंडिया ट्रेन पुल थीसी एक्सप्रेस के रेक को रवाना किया गया, और ट्रेन का रेक चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित किया गया था, और इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत जिस ट्रेन को शामिल किया गया है उसमें यात्री आराम के लिए वातानुकूलित चेयर कारों में ऑन बोर्ड मनोरंजन प्रणाली, मॉड्यूलर इंटीरियर्स और पूरी तरह से घूमने वाली सीटें हैं, ठीक है। तो मेक इन इंडिया ट्रेन पुलथीसी एक्सप्रेस के रेक को कहां से रवाना किया गया है? श्रीलंका के कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खगोलविदों ने पहली बार K2-18b नामक दूर के ग्रह के वायुमंडल में किसकी खोज की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प। जलवाष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलविदों ने पहली बार K2-18b नामक दूर के ग्रह के वायुमंडल में जल वाष्प की खोज की है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के खगोलविदों ने इस खोज के लिए नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल किया, और उन्होंने 12 सितंबर 2019 को नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, और एक्सोप्लेनेट K2-18b पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, और इसे सुपर अर्थ के रूप में जाना जाता है, सुपर अर्थ के रूप में जाना जाता है, और पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 8 गुना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, खगोलविदों ने पहली बार K2-18b नामक दूर के ग्रह के वायुमंडल में जलवाष्प की खोज की है, और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के खगोलविदों ने इस खोज के लिए नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने 12 सितंबर 2019 को नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए, और एक्सोप्लेनेट K2-18b पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, और इसे सुपर अर्थ के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कालीधार बटालियन द्वारा किए जा रहे रुद्रशिला सफेद पानी राफ्टिंग अभियान को कहां हरी झंडी दिखाई गई? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कालीधार बटालियन द्वारा किए जा रहे रुद्रशिला सफेद पानी राफ्टिंग अभियान को जैसलमेर में हरी झंडी दिखाई गई और कालीधार बटालियन के 75वें स्थापना दिवस 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रुद्रशिला का आयोजन किया गया है। 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में और कालीधार बटालियन का उदय 1 नवंबर 1943 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1943। तो ये आप नोट कर लीजिए, 1 नवंबर 1943, ठीक है। और इसने भारतीय सेना के सभी बड़े अभियानों में भाग लिया है, ठीक है। तो कालीधार बटालियन द्वारा किए जा रहे रुद्रशिला सफेद पानी राफ्टिंग अभियान को का हरी झंडी दिखाई गई जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसलमेर इसका आंसर है तो हम राजस्थान के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डेट ऑफ फॉर्मेशन जो है राजस्थान की, वो है 26 जनवरी 1950। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी, राजस्थानी और मारवाड़ी। यहाँ की जो कैपिटल है वो है जयपुर और राजस्थान नॉन फॉर थार द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यहाँ के जो सीएम है वो है अशोक गहलोत और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कल्याण सिंह। यहाँ के जो मेजर रिवर्स है वो है चंबल, साबरमती, बानस और लूनी। यहाँ के जो नेशनल पार्क है वो है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, कियालाडियो, घाना नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हम बात कर लेते हैं, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के जो स्टेट एनिमल है वो है कैमल, स्टेट बर्ड जो है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ के जो स्टेट फ्लावर है वो है रोहिदा, यहाँ के जो मेजर डांस फॉर्म है वो है घूमर, कचिगोड़ी और छारी। तो इतने पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखने। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा 2019 की शुरुआत कहाँ की? तो फ्रेंड्स का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप है तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।